मैं तो माँ हूँ। जय माता जी। साढ़े छह बज चुके, हाँ? 7 बजे चीनू आ जाएगी, सिर्फ आधा घंटा है तेरे साथ। अरे इतना कुड़कुड़ क्यों करते हो? चीनू अभी भी ऑफिस में काम कर रही है। उसको सही रंग नहीं मिल रहा है गुलाबी डाई का, इसीलिए। भूज होता ना तो बात ही कुछ और होती, लेकिन यहाँ चलो छोड़ो। और फिलहाल झगड़ा चल रहा है रोहन और चीनू का समय को लेकर, जिसमें दोनों अपने काम का समय जाया कर रहे हैं। भूज में एक बात और बहुत आसान होती थी। क्या? तुझसे बातें करना। तू ही कहती थी ना, धंधे की बात घर पे मत लाओ। अब बच्चों के छोड़, तू बता, तू क्या बात बोलने वाली थी मुझे कल के बारे में? क्या बताना कल क्या है? खुद ही सोच, सोचो ना क्या भूल रहे हो। क्या चल रहा है ये सब इस ऑफिस में, हा? और ये रोहन गढ़वी क्या कर रहा है इधर? मेटर्निटी लाइन प्रोजेक्ट के लिए वो यहाँ। हमारी कंपनी को इसी कंडीशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ये जॉइंट वेंचर होगा रोहन गढ़वी की कंपनी के साथ। तो जब तक ये प्रोजेक्ट है, रोहन इसी ऑफिस में। कंपनी का पूरा लॉस करवा देगा तुम, तुम्हारा इस जॉइंट वेंचर का चक्कर में। और ये रोहन गढ़वी हमको बिल्कुल नहीं चाहिए इस ऑफिस में। प्रोजेक्ट जाता है तो जाने दो उसे, आई डोंट केयर। बट आई डू केयर फॉर दिस प्रोजेक्ट। आपको क्या लगता है? I want him in this office. But it doesn't matter. What matters is this project. अगर आपको इससे भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। घर की तरह ये ऑफिस भी छोड़ दूंगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो बिल्कुल नहीं। फिर चाहे मुझे बाहर से क्यों ऑपरेट करना पड़े। उधर घर में मीनू और इधर तुम, तुम दो डॉटर थे ना, दिमाग खराब कर दिया हमारा। चीनू, अगर तुम ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ेगा ना, तो एक रुपया नहीं देगा हम तुमको इस प्रोजेक्ट के लिए। आपको क्या लगता है? आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे इस प्रोजेक्ट में तो ये प्रोजेक्ट छोड़ दूंगी मैं। दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग, जीरो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दिस कंपनी, एंड स्टिल चिन्नम्मा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी। दिस इज ओनली गोइंग टू मेक मी स्ट्रॉन्गर अप्पा। आप जा सकते हैं, बहुत काम है मुझे, मटेरियल की डाइंग, मटेरियल की डिजाइनिंग। और हाँ, इन्वेस्टर भी तो ढूंढना है मुझे। अमित, चीनू मैडम को एक लेमन टी पिला देना, ठीक है? और ये मैंने बताया, ये मत बताना। सचमुच में याद नहीं क्या बोल रहे हो? नहीं। चलो बचा रहे, चलो हसू, मैं निकलती हूँ। वैसे भी चीनू आती होगी और मुझे डाई का काम भी खत्म करना है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ?
पहले अपनी याददाश्त ठीक कर लो। देख, सुन 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 सुन। मैंने याद करने की कोशिश की कि कल कल क्या भूल रहा हूँ मैं कल के बारे में। देख, दवाइयाँ सब मैंने पहले से खरीद ली हैं, टैक्स भी दे दिया है, लोन की किश्त भी चुका दिए हैं, यहाँ का भाड़ा भी दे दिया है। तो क्यों टेस्ट ले रही है मेरा? नंबर काट लेना, चल बता। छोड़ो ना, अपने नाजुक से दिमाग पे इतना जोर मत डालो हसु, छोड़ो। अच्छा ठीक है, बुढ़ा हो रहा ना, नहीं याद आता मुझे, बता। मैं क्यों बुढ़ा हो गया? मैं बुढ़ा नहीं हुआ, मैं नहीं बुढ़ा हुआ, मैं बिजी हूँ। यहाँ पूरा घर संभालना है, चीनू के लिए नाश्ता खाना ये सब, और वहाँ भोज में दुकान जिसके भरोसे छोड़ के आया हूँ उससे हिसाब किताब पूरा दिन भर चलता रहता है मेरा दिमाग। हिसाब? पूरी जिंदगी हिसाब ही किया है और आगे भी करते रहो। करो हिसाब, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ो। चीनू आती होगी? तू तो कह रही थी चीनू तो ऑफिस। छोड़िए, हाथ छोड़िए मेरा। मैडम आप ऐसे कैसे मेरा हाथ पकड़ सकती हैं? ये क्या हो रहा है? समझाना पड़ेगा चीनू को कि कोई नारी शक्ति का मूवी नहीं जो तीन घंटा में खत्म हो गया और लोग खड़े होकर ऐसा ताली बजाएंगे। ये रियल लाइफ है और रियल लाइफ में बहुत चैलेंज होता है, इतना इजी नहीं जो भाषण दिया। और काफी आप तो बहुत परेशान लग रहे। अरे वो चीनू से मिलने गया था उसका ऑफिस में, मीनम्मा के बारे में बात करने को। उधर तो वो मिस्टर रोहन गढ़वी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में बिजी है। करो बिजनेस पार्टनरशिप, पछताएगे एक दिन फिर पछताएगे। हम कुछ ट्राई करें इस बारे में? तुम क्या हेल्प करेगा वासु? कोई कुछ करना पड़ेगा। एक काम कर सकता है तुम। आई नो वो सीरियल का जैसा ड्रामा का नाम है, तुम एकदम परफेक्ट है बासु। आई नो, चीनू के पास जाओ और उसको मीनू और अक्षय के बारे में समझाओ कि मीनू कितना टाइम से अक्षय को पसंद करता है और वो अक्षय को लेकर कितना डिस्टर्ब है। चीनू को मीनू का पेन के बारे में समझाओ, समझा? पर ऐसा करने से चीनू को मीनम्मा के लिए और भी ज्यादा टेंशन हो जाएगा ना, वो ज्यादा गिल्टी फील करेगा। यही तो हम चाहता है वासु, वो ये बेकर का प्रोजेक्ट छोड़ के मीनू के बारे में सोचे, उससे मिले। इन शॉर्ट हमको हमारा दोनों डॉटर वापस चाहिए, पहले जैसा, समझा? बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं इनसे कह रहा हूँ कि घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, फिर भी जबरदस्ती घुसे आ रही अंदर। जहां से मैं आता हूं वहां ऐसा खुला व्यवहार नहीं चलता। What? अनजान शहर, अकेला आदमी, पता नहीं क्या चाह रही है देवी जी। पानी? कल ही मैंने अखबार में पढ़ा बेटा, सभ्य दिखने वाली औरत जबरदस्ती घर के अंदर घुसाई। कहीं आप वो तो नहीं? नहीं नहीं, वो ये वो नहीं है, मैं जानती हूँ। जानती हूँ? हाँ जानती हूँ इन्हें। क्या हुआ प्लम्बर का? कौन सा प्लम्बर चीनू? आप ऑफिस से भागते हुए गई थी ना घर कि पानी भर गया है, वो किचन का नल
पाइप फट गई थी वो। हाँ हाँ वो, हाँ हाँ वो तो कब का ठीक हो गया। अरे मैं तो यहाँ इसलिए आई कि मुझे बुरा लग रहा था कि मैं तुझे ऐसे काम के बीच में ऑफिस से छोड़कर आई हूँ ना। सोचा कि तुझे आके तेरे घर पे मिल लेती हूँ, इसी बहाने तेरा घर वर सेट हुआ ठीक से कि नहीं सब देख लूंगी। तो फिर यहाँ आकर मुझे इस प्राणी से, इस अजीब प्राणी से मुलाकात हुई। नहीं नहीं अजीब नहीं है, इनफैक्ट बहुत अच्छे आदमी है बटुकनाथ जी। मुझे लगा चंद्रप्रभा जी ने आपको बताया होगा। एनीवे मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। काकू ये है बटुकनाथ जी, मेरे साथ फ्लैट शेयर कर रहे हैं और ये भी गुजरात से हैं। अच्छा ए? जी बटुकनाथ जी, काकू, कौशल्या जी, मैंने आपको बताया था ना रोहन की मॉम है ये। ओ तमे रोहन ना मम्मी छो। हाँ जी। ये वही रोहन है ना जिसकी वजह से चीनू को इतना दुख झेलना पड़ा। बटुकनाथ जी ऐसा मत बोलिए। नहीं नहीं कौशल्या जी बहुत अच्छी हैं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ वही रोहन जिसने चीनू को बहुत दुख दिया। वो क्या है ना, रोहन मुझ पर बिल्कुल नहीं गया, वो सीधा अपने बाप पर गया है। कार्बन कॉपी डुप्लीकेट। उसके बाप को भी जरूरी बात भूलने की, जरूरी दिन भूलने की बड़ी आदत है। उसकी वजह से उसके आसपास के लोगों का दिल बहुत दुखता है। रोहन को भी ये गुण उसके पाप से ही आया है, लोगों का दिल दुखाने का। अबे एक पिता की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, कितना काम करना पड़ता है उनको, भूल जाते होंगे। क्यों बीवी तो नहीं रहती साथ में, दिल और दिमाग दोनों शांत रहता है क्योंकि कोई बड़बड़ करने वाला नहीं है ना सर पे, तो फिर क्यों भूल जाते हैं। बीवी साथ में नहीं रहती है ना इसीलिए भूल जाते होंगे। अरे आप लोग एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते हो। 10 मिनट में कोई किसी को कैसे जानेगा। हम हाँ और कभी कभी तो 7 जन्म भी कम पड़ते हैं। नहीं नहीं एक मिनट, आपके हस्बैंड भुज में हैं और आपकी बीवी भागकर बैंगलोर आ गई है। आप लोगों की बातों से लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हो। तजुर्बा बेटा तजुर्बा, अगर ऐसे प्राणी से पाला पड़ा है तो कोई भी बीवी भाग जाएगी। क्या नहीं नहीं आप जानती नहीं है बटुकनाथ जी को, बहुत अच्छे इंसान है ये। आप ऐसा कीजिए आज हमारे साथ डिनर कीजिए, बटुकनाथ जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा। उसने भागने के बाद, मतलब भागने के पहले सिखा दिया था। चलो शुक्र है इतना तो याद है। चिनू मैं खाना तेरे साथ किसी और दिन खाऊंगी, अभी तो मुझे घर जाना पड़ेगा। वो रोहन आता होगा तो उसके लिए तो खाना बनाना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है चल, जय माता जी। ओके बाय। प्लीज बता दो मेरी माँ क्या भूल गया। कल क्या है? के शादी के स्पेशल 28 साल। हैप्पी एनिवर्सरी माँ। हैप्पी एनिवर्सरी माँ। रोहन
तुझे याद था? हाँ, मतलब मैं काफी केयरलेस रहा हूँ, बट इतना भी नहीं जो इतना स्पेशल डे भूल जाऊँ. मुझे तो ये भी याद है कि मेरे यूएस जाने से पहले हर साल आप वो क्या बनाते थे, वो बासुंदी, राइट? तो मेरे लिए एनिवर्सरी मतलब बासुंदी, बासुंदी मतलब एनिवर्सरी. थैंक यू. क्या है? अरे फटाफट खोलना. कितना सुंदर पर्स है ये, बहुत सुंदर है. अब इतने पैसे नहीं है मेरे पास जो आपको आपकी पसंद की चीज दे सकूं. अरे मेरे इसलिए केसर बार से कह के आपके लिए छोटा सा पाउच बनवाया. मासी से बनवाया? ओहो, मासी के हाथ में तो जादू है. हाँ, जादू. नहीं, वो सिरबा ने कहा था कि पैसे रखने की कोई भी चीज खाली नहीं देते. नहीं, सिर्फ एक रुपए का सिक्का नहीं है, मेरा प्रॉमिस है आपसे. अब से आने वाले टाइम में ये पाउच हमेशा भरा रहेगा. अपने पेरेंट्स को मैं हर वो चीज दूंगा जो बेटा होने के नाते मैंने कभी नहीं दिया. ये कहकर ना तूने हमको सब कुछ दे दिया रोहन. ये सिर्फ एक रुपए का सिक्का नहीं है हसू, और मेरे लिए तो ये हमारा अभिमान है. मारो डिग्लू मोटो थी गया. हाँ, बड़ा हो गया मेरा बेटा. मैं इसे हमेशा मेरे पास रखूंगी. पापा ने विश किया है? नहीं, उनको याद नहीं है शायद. अरे तो आप विश कर लो. सुन, ना मैं उनको विश करके याद दिलाऊंगी और ना तू. अगर खुद याद आता है तो अच्छा है, वरना चल दिल्ली में स्पेशल बासुंदी बनाती हूँ. क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं अगर कोई बात याद रखनी हो तो उसकी गांठ बांध. वही कर रहा हूं. इससे मुझे याद रहेगा कि जो मैं भूल गया हूं उसे मुझे याद करना है. और फिर ये ऐसे नॉट, यस, ताकि इसे देख के याद आ जाए कि तुम्हें क्या काम करना है. और फिर तुम कंप्लेन ना कर सको कि मैं भूल गई एंड ऑल. टेक दिस फॉर यू. अब याद रहेगा. एब्सोल्युटली. बेटा, शायद मेरे दिल ने भी यही ट्रिक यूज की. आप वो काट बांध रहे थे ना पिछली, ऐसी बहुत सारी बातें हैं बटुकनाथ जी जो मैं भूलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे दिल में इतनी सारी नॉट्स बंधी हुई हैं कि एक एक बात याद आती रहती है, भूल नहीं पाती मैं. कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है. यहाँ देखो, मेरी याददाश्त इतनी खराब हो चुकी है कि मेरे दिल और दिमाग दोनों ने गिव अप कर दिया है, बंद हो चुके हैं वो लोग, विरोध कर रहे हैं.
चलो नाश्ता कर लो। नहीं मैं ऑफिस में कर लूंगी, मैं निकलती हूँ। हेलो। हाँ पापा, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसा है? काकू सब कुछ ठीक है ना? ठीक है पापा। तो फिर फोन कैसे किया? ओ बेटा प्लीज बता मुझे फोन क्यों किया, मुझे चिंता हो रही है। पापा एक्चुअली माँ ने आज बासुंदी बनाई थी ना, वो उनकी स्पेशल बासुंदी, तो वो ही बताने के लिए कॉल किया था। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। हाँ बासुंदी बनाई है? बताने के लिए फोन किया उसने? स्पेशल बासुंदी बनाई है काकू ने? उसका मतलब आज हमारी साल आज हमारी सालगिरह है। ए भगवान, क्या कर दिया मैंने काकू। ये बताने के लिए वो कोशिश कर रही थी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।